जादुई राखी का पेड़। एक गांव में बबलू नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके परिवार में एक माँ और एक प्यारी सी बहन थी। वह अपनी बहन को बहुत प्यार करता था। किसान के पिता की मृत्यु कुछ दिनों पहले ही हो गई थी। किसान के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह कुछ अनाज उपजाकर अपना घर चलाता था। एक बार किसान के गांव में बारिश कम हुई, जिसके चलते किसान का सारा फसल बर्बाद हो गया, सूख गया। वह चिंतित हो गया कि क्या करे जिससे मेरे परिवार को दो वक्त का रोटी मिल जाए। अगले दिन वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल में निकल गया। अब मैं जंगल से लकड़ियां लेकर गांव में बेचूंगा, कम से कम दो वक्त का रोटी तो मिल जाएगा। वह लकड़ी लेकर गांव में निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद गांव के एक आदमी ने उसे बुलाया। ये लकड़ी का गट्ठर कितने रुपए की है? 100 रुपए की है भैया। 50 रुपए में देना है तो दो, वरना दूसरे लकड़हारे से लकड़ियां ले लूंगा, तुम जाओ। किसान ने सोचा, दे देता हूँ, कम से कम आज के खाने की सामग्री तो हो ही जाएगी। उसने लकड़ी का गट्ठर उस आदमी को 50 रुपए में बेच दिया और बाजार से खाने की सामग्री लेकर घर गया। उसकी बहन उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। भैया, तुमने इतनी देरी कहाँ पर लगा दी? कल रक्षाबंधन है, बाजार से राखी लाए हो? नहीं बहन, मेरे पास पैसे कम थे, सिर्फ आज का खाने की सामग्री ही लाया हूँ, कल मैं राखी ला दूंगा। किसान अपनी बहन को हर साल राखी का त्योहार में नए कपड़े देता था, पर इस वर्ष फसल नहीं होने पर वह अत्यंत गरीब हो गया था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बहन के लिए नए कपड़े और राखी कहाँ से लाए। अगले दिन वह फिर जंगल में लकड़ियाँ लेने चला गया। इस बार वह 2 लकड़ियों का गट्ठर बांधा। इस 2 लकड़ी के गट्ठर से मुझे डबल पैसे मिलेंगे, जिससे मैं अपनी बहन के लिए नए कपड़े और राखी ला सकूंगा। किसान लकड़ी लेकर गांव में निकल गया। गांव में कोई भी आदमी नजर नहीं आ रहा था। सभी लोग अपने अपने घरों में राखी का त्योहार मना रहे थे। किसान चलते चलते थक गया और वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वह चिंतित हो गया कि अब क्या करे। फिर वह सोचा, कल मैं जिस आदमी को लकड़ी दिया था उसी के घर चलता हूँ। किसान उसी आदमी के घर गया और बाहर से आवाज देते हुए कहा, घर में कोई है? मैं लकड़हारा, लकड़ियां लेकर आया हूँ। तभी घर से एक आदमी निकला। वह वही आदमी था जो पिछले दिनों किसान से लकड़ी लिया था। लकड़हारा, तुम आज भी लकड़ियां बेच रहे हो? तुम्हें पता नहीं है क्या, आज रक्षाबंधन का त्योहार है, मैं तुम्हारी लकड़ियां नहीं ले सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। मेरी बहन ससुराल से मुझे राखी बांधने आ रही है, मुझे उसके लिए नए कपड़े, राखी और मिठाइयाँ लेनी है, तुम जाओ। भैया, आप मेरा लकड़ियाँ ले लो, मेरे परिवार में सभी लोग भूखे हैं। किसान की यह बात सुनकर वह आदमी सोचा, इसकी लकड़ियाँ ले लेता हूँ, आज इसकी लकड़ियाँ ज्यादा बिक रही है, लगता है आज इसने लकड़ियों का 2 गट्ठर लाया है। देखो लकड़हारा, मैं इन दोनों लकड़ियों के गट्ठर को 50 रुपए ही दूंगा, देना है तो दो, नहीं तो जाओ। किसान लकड़ियों के दोनों गट्ठर 50 रुपए में ही उस आदमी को दे देता है और फिर वह जंगल में लकड़ी लेने चला जाता है, क्योंकि उसे अपने बहन के लिए नए कपड़े और राखी लेनी थी। जंगल में जाकर वह एक पेड़ के सामने बैठा, तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। क्या हुआ बेटा, कुछ परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर परेशानियां दूर कर सकता हूँ। आज रक्षाबंधन का त्योहार है, बहन के लिए नए कपड़े, राखी और मिठाइयाँ लेनी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या तुम मुझे नए कपड़े, राखी और मिठाइयाँ दे सकते हो? हम तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं, मीठा और स्वच्छ पानी के लिए बारिश दे सकते हैं, बीमारियों के लिए औषधि दे सकते हैं, स्वच्छ हवा दे सकते हैं, खाने के लिए फल दे सकते हैं, खाना दे सकते हैं, घर बनाने के लिए लकड़ियाँ दे सकते हैं, और भी बहुत कुछ दे सकते हैं। तुम्हें अपने बहन के लिए नए कपड़े, राखी और ढेर सारा मिठाइयाँ दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे 2 शर्तें माननी पड़ेगी। पहला, आज से पेड़ कटना बंद करना पड़ेगा, और दूसरा शर्त, हर रोज तुम्हें 2 पेड़ लगाने होंगे और उसे हर रोज पानी देना होगा, अगर मंजूर है तो हाँ बोलो। किसान ने सोचा, ये पेड़ बड़ा ही मूर्ख है, फालतू की बातें करता है, इसके डाली में 1 पत्ते भी नहीं है और मुझे नए कपड़े और राखी और मिठाइयाँ देने की बात करता है, लेकिन हाँ बोलकर देखता हूँ, वैसे भी लकड़ियों की बिक्री नहीं है,
अगर नहीं दिया तो इस बार इसे ही काटूंगा। ठीक है, तुम्हारी शर्तें मुझे मंजूर है। आज से मैं पेड़ नहीं काटूंगा और हर रोज 2 पेड़ लगाऊंगा और उसे हर रोज पानी भी दूंगा। तभी अचानक पेड़ से नए कपड़े, राखी और ढेर सारा मिठाइयां निकलने लगा। किसान यह सब देखकर हैरान रह गया। उसने नए कपड़े, राखी और मिठाइयों को अपने गांव में बंटवा दिया और गांव के सभी लोगों से निवेदन किया कि प्रतिदिन 2 पेड़ लगाएं और उसे पानी दें। इसी तरह से किसान हर रोज जंगल से 2 पेड़ लाकर लगाने लगा और पानी देने लगा। कुछ वर्षों के बाद गांव में बहुत सारे पेड़ हो गए और कुछ महीनों के बाद गांव में अच्छी बारिश भी होने लगी। अब धीरे धीरे किसान को पेड़ की सारी खूबियां समझ में आ गई कि पेड़ों के कारण ही अत्यधिक बारिश होती है और फसल भी होते हैं और खाने के लिए पर्याप्त अनाज भी होते हैं। गांव के सभी लोग ने बबलू किसान को धन्यवाद दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें पेड़ नहीं काटनी चाहिए बल्कि अधिक से अधिक पेड़ लगानी चाहिए। तो आज से ही पेड़ लगाएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।